जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको इंटेक्स का टावर बूफर बनाना सिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास एक कस्टमर इंटेक्स का टावर बूफर लाया है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि इसमें ना लाइट आ रही है सामने से, ना कुछ भी, ना आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही। तो इसका हम रिपेयर करके आज आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप घर पे भी बैठे बैठे या अगर कोई शॉप है आपकी तो वो आप कैसे सीखेंगे, आज हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को पूरा सपोर्ट करें दोस्तों। सबसे पहले हम इस सीरीज बोर्ड में ही इसको चेक करेंगे। सीरीज में देख रहे हैं जैसा कि ये लोड ले रहा है, लेकिन चालू नहीं हो रहा है दोस्तों, ना लाइट आ रही है। अब लाइट नहीं आ रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको खोल लेते हैं दोस्तों। खोलते समय ध्यान रखेंगे सारे स्क्रू अच्छे से रखेंगे दोस्तों, और ध्यान रखेंगे कि स्क्रू कोई भी गुम ना हो, क्योंकि ये बूफर हो, इंडक्शन हो, किसी के भी स्क्रू दोस्तों, ये सभी अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम मीटर ले आते हैं दोस्तों, मैनुअली चाहे आपके पास जैसा भी हो, डिजिटल मीटर हो। चलिए इसको हम खोल लेते हैं एक एक करके, एक एक स्क्रू। ऐसी हमारी इस चैनल पे ढेर सारी ऐसी तमाम जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। इस भाई के चैनल को अपना प्यार दे और लाइक करें दोस्तों। अभी ये मेरा नया नया चैनल है दोस्तों, और हम आपको अच्छी से अच्छी ऐसी ही जानकारी आपको देंगे दोस्तों। देखिए धीरे धीरे स्क्रू खुल रही है, और स्क्रू खोलते समय जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ आपको, अच्छे से रखना है, इसलिए केयर करके रखें दोस्तों। और इंटेक्स टावर जो होता है दोस्तों, ये नॉर्मल वूफर की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो आईसी है, ये थोड़ी आईसी बड़ी बड़ी रहती है, मॉस्फेट रहती है इसमें दोस्तों। अब मॉस्फेट रहती है, अब इसको हम कैसे चेक करेंगे ये हम आपको बताएंगे। चेक करने का क्या इसका ट्रिक है दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या चेक करना चाहिए। और जैसा कि ये देख रहे हैं, बाहर की स्पीकर है और स्पीकर की वायर है, इसको जो हम धीरे धीरे दोस्तों करके पहले स्पीकर की वायर को हटा लेते हैं, ताकि ये हमारी जो सर्किट है ये बाहर हो जाए दोस्तों। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, बूफर बनाते समय ध्यान रखें दोस्तों कि आप किसी भी मल्टीमीटर का यूज करिए दोस्तों, लेकिन वोल्टेज आप हम तो कहेंगे डिजिटल मल्टीमीटर में ही चेक करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि एक्यूरेट जितनी वोल्टेज है वो हमें पता चलेगी। और जैसा कि हम देखा रहे हैं आपको, स्पीकर की वायर भी हमने हटा दी है। और दोस्तों चलिए इसको हम अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ऐसे दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। इसमें भी दोस्तों 7805 लगी होती है, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई देती है बाहर के मदरबोर्ड उस लाइट के लिए, जिसमें लाइट नहीं आ रही है दोस्तों। अभी हमारा फॉल्ट क्या है, इस बूफर में लाइट नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम सीधा यही देखेंगे दोस्तों कि इसमें 7805 कहाँ है। और 7805 जहाँ है वहाँ दोस्तों सप्लाई हम नापेंगे। अब देखिए हम आपको दिखा देंगे, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ग्राउंड 7805 की बीच वाली पॉइंट रहती है, और 7805 देखिए वहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों। उस ग्राउंड पर रख के ये देखिए 5 वोल्ट हमारी आ रही है, 4.98 यानी समथिंग 5 वोल्ट आ रही है। दूसरे सिरे पर 12 वोल्ट आ रही है, यानी यहाँ तक हमारी सप्लाई पूरी ओके, 5 वोल्ट भी आ रही है। फिर से एक बार और देख लेते हैं, देखिए ग्राउंड रखे हमने, देखा ये देखिए 5 वोल्ट आ रही है समथिंग, 4.98 के समथिंग, और बाहर देखिए 4.98 आ रही है, और बाहर वाले सिरे पे 10 वोल्ट या 12 वोल्ट कहें इसको, 10.78 आ रही है।
अब इसका मतलब है कि दोस्तों हमारी ट्रांसफार्मर भी ओके है, सप्लाई भी सारी ओके है, यहाँ आ रही है। अब सामने लाइट क्यों नहीं आ रही है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी मदरबोर्ड तो नहीं खराब है। अब इसको चलिए हम स्पीकर की जो वायर छुड़ाए थे, ये बाहर वाली सबवूफर की स्पीकर, इसको हम जोड़ देते हैं और इधर से ये पोर्शन को कस देते हैं। इधर से हमारी सप्लाई ओके है दोस्तों, सप्लाई ओके है, लेकिन हमारी वोल्टेज नहीं आ रही है, इसलिए हम इस अब सामने के मदरबोर्ड में चेक करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम सोल्ड कर लें, फिर उसके बाद हम आपको अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम ये स्पीकर की वायर को सोल्ड कर दिए। इस वायर को अच्छी तरह सोल्ड करें दोस्तों, और सोल्ड कर दें मजबूती के साथ, क्योंकि ये फिर छूटे ना दोस्तों। अब इसको हम सोल्ड कर दिए, इसको हम कसेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी हो सकता है इसको हमें फिर खोलना पड़े। अब सामने मदरबोर्ड में देख लेते हैं सप्लाई हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा फंसा लेते हैं दोस्तों, इसकी वायर थोड़ी उलझी उलझी रहती है, उलझने से ये थोड़ी बैठने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप अच्छे से ऐसे बैठा दें। अब इसको हम पलट के देखते हैं दोस्तों कि हमारी ये सप्लाई इस मदरबोर्ड में आ रही है या नहीं। ये जो 5 वोल्ट हमने चेक किया है, क्या इस बोर्ड में आ रही है? तो चलिए हम इसको भी स्क्रू खोल के देख लेते हैं। ये थोड़ी सी ये लग भी रही है दोस्तों कि इसमें सब प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बटन वटन थोड़े से प्रॉब्लम लग रहे हैं। खैर, इन कस्टमर ने जिनकी है ये, इन्होंने बताया कि ये लाइट अब आनी बंद हो गई है। चलिए हम आगे इसका करके देखते हैं, आगे इसकी क्या कहानी है। चलिए एक एक करके स्क्रू इसके खोलते हैं, और हमको लग रहा है दोस्तों कि ये किसी और मिस्त्री को इन्होंने दिखाया है, इसलिए इसकी पूरी स्क्रू भी सही नहीं लगी हुई थी। खैर, मुझे पहले से शक था कि ये बोर्ड खराब है, लेकिन हमने कहा कि इसके पहले इसकी सप्लाई अपने हिसाब से चेक कर लेना उचित है। अब चलिए हम इसको, बोर्ड भी हमारी निकल चुकी है, अब हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों सप्लाई आ रही है कि नहीं। ये जो सप्लाई वाली तार है वाइट रंग की, ये सप्लाई वाली तार है, और ये जो रेड और ब्लैक है बीच में ग्राउंड है, ये दोस्तों लेफ्ट राइट ऑडियो, दो ही वायर है इसमें दोस्तों। अब ये जो सफ़ेद वाली वाइट वायर जहाँ लगी है दोस्तों, यहाँ 5 वोल्ट आनी चाहिए। 5 वोल्ट हमारी आ रही है या नहीं आ रही है, इसको हम अपने हिसाब से चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक सिरा रखेंगे दोस्तों, अभी हमारी 5 वोल्ट आ रही है या नहीं ये हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए वोल्टेज के 20 के रेंज में है दोस्तों। अभी ये देखिए 4.83 यहाँ वोल्टेज हमारी आ रही है। फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, DC 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे, और यहाँ हम 5 वोल्ट सीधा सीधी चेक कर लेंगे कि 5 वोल्ट हमारी आ रही है या नहीं। अगर 5 वोल्ट यहाँ आ रही है तो इसका मतलब है हमारी बोर्ड ख़राब है दोस्तों। चलिए, हमको तो लग रहा है ये बोर्ड ख़राब है, और इसमें 100% है दोस्तों कि ये बोर्ड ख़राब है। बोर्ड हमारे पास है दोस्तों, अब हम बोर्ड लगा कर देखते हैं। बोर्ड लगाने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों कि हमारी लाइट आ गई या नहीं आई। लाइट आ गई, इसका मतलब ओके हो चुका है दोस्तों। इसकी वॉल्यूम के ऊपर ब्लू लाइट है, वो आ रही है दोस्तों, सिर्फ ये डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही। अब देखिए, हम इस ऑडियो वाले को पहले निकाल लेते हैं, लेफ्ट राइट बीच में ग्राउंड है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये लेफ्ट राइट और ग्राउंड है, ये हम इस नए वाले बोर्ड में दोस्तों लगा लेते हैं। देखिए, इसकी जैक सेम टू सेम है, इसलिए आराम से बैठ भी जाएगी। अब ये 5 वोल्ट को निकालेंगे दोस्तों, ध्यान रहे 5 वोल्ट वाले को थोड़ा सा मिलाना है, क्योंकि नई बोर्ड में अगर उल्टा सीधा लग गई दोस्तों, तो फिर ये हमारी नई बोर्ड भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान से देख लें कि जिधर 5 वोल्ट है और ग्राउंड है, वही सिरा उस नए वाले में भी लगनी चाहिए। नई वाली में भी सप्लाई कभी कभी उल्टी रहती है, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा। चलिए, ये लग गई हमारी दोस्तों, अब ये लग गई। अब ये देखिए हमारे इस बोर्ड में लाइट आ रही है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमारी बोर्ड में भी लाइट आ चुकी है, FM चल रही है,
अब ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद। ये हमारा बूफर ओके हो चुका है। धन्यवाद। लाइक करें दोस्तों।